शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो दो शादी हुई थी लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही। तेरी अच्छी भली नौकरी है, ठीक ठाक घर है। देखो पप्पू को फिर किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं पोपटलाल को अपनी महिला कब मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, ये क्लिपिंग मैंने उन दोस्तों के लिए डाला है जो बेचारे अभी तक सिंगल है और जिनकी एक भी शादियां नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक खबर निकल के आती है कि एक ही साथ यहाँ पे एक ही मंडप के अंदर दो लड़कियों से एक आदमी शादी करता है ना भाई, गजब है। यहाँ पे इनके परिवार वाले भी इनकी ये अजीबोगरीब मांग को कैसे मान गए ये तो वही जानते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गजब का मामला रहा है ना। इसकी वीडियो क्लिपिंग जो है वायरल हो गई थी और आप लोगों ने सबने इसकी वीडियो क्लिपिंग को देखा ही होगा, जहाँ पे ट्विन सिस्टर्स हैं मुंबई के अंदर, ये एक शादी करती हैं, सोलापुर जिले से आते हैं ये जो शादी करते हैं, एक सेम मेन से शादी करते हैं, एक सेम आदमी से शादी करती हैं, ये पॉलीगेमी के अंदर आ जाता है इंडिया के अंदर। तो क्या पॉलीगेमी इंडिया के अंदर अलाउ है या नहीं, इन सब मामलों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे ये जो न्यूज़ है, इस तरीके से न्यूज़ भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलीगेमी क्या है पहले मैं वो आपको बताऊँगा, है ना। ये जो मैं बता दूं, ये मुंबई से दोनों जो लड़कियां हैं, दोनों जो ट्विन्स हैं, ये आईटी प्रोफेशनल रही हैं और वहां पे इनके लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम शुरू हो चुकी कि एक जो लोकल रेसिडेंट था, अब वो बेचारा सिंगल रहा होगा, जो भी जैसा भी रहा होगा, वो उसको खुन्नस हुई जो भी हुआ, तो उसने इनके ऊपर जो है केस कर दिया। अब इनके ऊपर केस कर दिया तो इनके ऊपर आईपीसी सेक्शन 494 के तहत इनके ऊपर केस किया, आईपीसी सेक्शन 494 के तहत इनके ऊपर केस किया। अब आईपीसी सेक्शन 494 क्या कहता है, वो ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ अपने जीवन काल में, याद रखिएगा, एक लड़का और एक लड़की, एक आदमी और एक औरत अपने जीवन काल में केवल एक ही शादी कर सकता है, ये आईपीसी सेक्शन 494 कहता है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये आपको याद रहेगा। चलिए अब पॉलीगेमी क्या है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जीएस पेपर नंबर 2 और 1 से रिलेट कर सकते हैं, सोशल इशू से रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि समाज के अंदर पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर ही बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जैसे कि एक लड़की थी उसने खुद से ही शादी कर ली, है ना। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर तो मुद्दा उठ ही रहा है, वो हमने देखा ही है, कई बार डिस्कस किया। एक कुत्ते की शादी हो रही थी, तो शादियों से रिलेटेड आप देखेंगे तो 4-5 मुद्दे तो निकल के आ चुके हैं, है ना, जो अभी तक हम देख भी चुके हैं सभी मुद्दों को। यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉलीगेमी। पॉलीगेमी इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ पर्सन मैरिंग मोर देन वन पार्टनर। जब एक आदमी जो है या कोई भी एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी दो से शादी करता है, किसी भी दो से शादी करता है, दो पर्सन से, तो उसे हम पॉलीगेमी कहते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। पॉलीगेमी के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मिनिमम 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब मैंने बोला 2 लोगों से, तो ये सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं है। पॉलीगेमी के अंदर जो है यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। हाँ, पॉलीगेमी के अंदर ये याद रखिएगा मिनिमम 2 होना आवश्यक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। चलिए पॉलीगेमी के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो आपके सामने यहां पे डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है पॉलीगाइनी। पॉलीगेमी के अंदर ही पॉलीगाइमी गाइनी आता है और पॉलीएंड्री आता है। पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी दोनों को डिफरेंस समझना है। पॉलीएंड्री क्या है ये देखिए आप सामने, ये पॉलीएंड्री है, जब एक लड़की एक से ज्यादा आदमियों के साथ शादी करती है तो उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। और पॉलीगाइनी कब कहते हैं, पॉलीगाइनी जब वन मैन मैरी विद द मल्टीपल वाइफ्स, एक आदमी जो है मल्टीपल वाइफ्स के साथ जो है शादी करता है, मल्टीपल लड़कियों के साथ शादी करता है, उसे पॉलीगाइनी कहते हैं। एग्जांपल बता सकते हैं क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने आसपास देखा ही होगा, है ना। और पॉलीएंड्री के भी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने होंगे ही कहीं ना कहीं। महाभारत के अंदर पॉलीएंड्री जो है फॉलो की गई थी, ये चीज़ भी हमने देखी थी। ग्रुप मैरिज भी होता है एक टाइप का, लेकिन ग्रुप मैरिज जनरली देखा नहीं गया, मतलब बहुत कम ही मान के चलिए। ग्रुप मैरिज जो है इज अ टर्म इम्प्लाइज दैट व्हेन अ सेवरल मैन, बहुत सारे आदमी एक साथ मिलके वुमेन जो मैरी कर रहे हैं बहुत सारे लड़कियों से, मतलब एक आदमी जो है, यहाँ पे समझ लीजिए 3 आदमी हैं और यहाँ पे क्या है 3 औरतें हैं, ये आपस में एक दूसरे से सबसे शादी कर रहे हैं, तो ये जो होता है ग्रुप मैरिज होती है। तो ऐसा तो देखने को रेयर है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है ना।
पॉलीगैमी की बात करता हूँ, पॉलीगैमी अंडर द हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के अनुसार पॉलीगैमी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए हम मैं आपको बताता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट जो इफेक्ट में आया था 18 मई 1955 से, वो क्लियर कट एबॉलिश करता है हिंदू पॉलीगैमी को और उसे क्रिमिनलाइज करता है। हिंदू पॉलीगैमी इज एबॉलिश एंड क्रिमिनलाइज, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये जो शादियों जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये हिंदू मैरिज है ना कस्टम है। अब हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के तहत मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके अंदर पॉलीगैमस मैरिज आर वॉइड, मतलब जो भी पॉलीगैमी मैरिज होते हैं उसको वॉइड करार दे दिया जाता है ना। द एक्ट कॉन्स्टेंटली मैंडेट मोनोगोमस रिलेशनशिप, मोनोगोमस रिलेशनशिप को ही सिर्फ अलाउ करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, क्लियर। अभी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमने ये तो कर दिया, नाउ अभी ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पगड़ी लगाए हुए कौन है, सिख हैं ये, लेकिन ये क्या सिख के अलग एक्ट होते हैं? नहीं, याद रखिएगा मैरिज रिलेटेड बुद्धिस्ट जैनिज्म जेंस और सिख ये तीनों के तीनों कहाँ आते हैं, ये तीनों के तीनों आते हैं कंसीडर किए जाते हैं हिंदू के अंदर, याद रखिएगा ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हिंदू के अंदर काउंट होते हैं, डू नॉट हैव देयर ओन लॉ, इनके कुछ अपने लॉ नहीं है, इसलिए ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनको इनके ऊपर जो भी लॉ है जो भी रूल्स लगते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लगते हैं, है ना। और बाइगेमस मैरिज जो होती है, पॉलीगैमी जो होती है, वो वेडिंग आर वॉइड हो जाती है और पनिशेबल होती है अंडर द सेक्शन 5 सेक्शन 11 एंड सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, ये आपको याद रखना है। नाउ हम मूव करते हैं पॉलीगैमी अंडर द मुस्लिम लॉ की बात करता हूं मैं। द क्लॉजेस अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट शरीयत ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये क्या है, पॉलीगैमी को अलाउ करते हैं। पॉलीगैमी इज नॉट प्रोहिबिटेड इन द मुस्लिम लेजिस्लेशन, मुस्लिम लेजिस्लेशन के अंदर पॉलीगैमी जो है प्रोहिबिट नहीं है बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। पॉलीगैमी को ये लोग अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस मानते हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिस आता है इसलिए ये अलाउ नहीं है, सॉरी ये मतलब ये क्रिमिनलाइज नहीं है, है ना, इसको डिक्रिमिनलाइज है ये मुस्लिम लॉ के अंदर। अभी आप बात करेंगे सर हमने आईपीसी के तहत देखा कुछ और आप जो बता रहे हैं वो कुछ और ही है, तो ये क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आईपीसी के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है और ये पर्सनल लॉ कौन सुपरसीड करेगा। तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन पैनल कोड, जैसे इंडियन पैनल कोड के तहत तो सिर्फ एक ही शादी अलाउ है ना किसी को भी, बट इन अ पर्सनल लॉ द पर्सनल लॉस आर इम्प्लीमेंटेड सिंस इट इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट स्पेसिफिक लॉ सुपरसीडेड द जनरल लॉ। तो ये कुछ स्पेसिफिक लॉ है ये, इसलिए जो पर्सनल लॉ होते हैं वो सुपरसीड कर जाते हैं इंडियन पैनल कोड को, आईपीसी को, ये आपको याद रखना होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ केसेस को हम देख लेते हैं फटाफट, जैसे जुडिशियल परस्पेक्टिव कंसर्निंग द पॉलीगैमी, तो ये 1996 का एक केस है, मोनोगैमस रिलेशनशिप वेयर स्टैंडर्ड एंड आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू सोसाइटी, ये सब कहा गया है ना, और कंडेम किया गया कि सेकंड मैरिज जो है नहीं ये गलत है, ये इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा जो केस निकल के आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारसू केस, अनारसू अप्पा माली का केस है 1951 का, ये आपको याद रखना है। नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एक केस है ना, पब्लिक वेलफेयर एंड रिफॉर्म इवन इफ इट इज वायलेट द हिंदू रिलीजियस और कस्टम को, अगर वायलेट्स करता है लेकिन अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो वो किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो केस है जावेद एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2003 का ये केस है। देखिए इस केस में क्या होता है, वेदर द डिस्प्यूटेड प्रोविजन ऑफ हरियाणा एक्ट प्रोहिबिटिंग एनी वन मोर देन टू किड्स फ्रॉम कम्पीटिंग द ऑक्यूपाइंग द गवर्नमेंट पोजिशन, मतलब इसमें ये कह दिया गया हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक रूल बना दिया कि दो से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट पोजिशन के लिए जो है मतलब एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा उसको, गवर्नमेंट में उसको एंट्री बैन है, एक तरीके से एंट्री बैन का मतलब कोई भी पोजिशन वो होल्ड नहीं कर सकता है ना। इट जो कि इसमें ये बोला गया इस केस के अंदर इट वॉयलेट्स अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अंडर द आर्टिकल 25 फ्रीडम इज सब्जेक्टेड टू द सोशल हारमोनी डिग्निटी एंड वेलनेस,
मुस्लिम लॉ अलाउज फॉर द मैरिंग ऑफ फोर वुमेन बट इट इज नॉट कंपल्सरी. मतलब मुस्लिम लॉ के अंदर मैंने माना, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने माना कि मुस्लिम लॉ के अंदर चार औरतों से आप शादी कर सकते हैं, पॉलीगेमी अलाउ है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी. यह आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो कंपल्सरी नहीं है कि करना ही चाहिए. बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो सिंगल मैरिज करते हैं, है ना, ये चीज भी बोली गई. दिस विल नॉट वायलेटिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस टू मैरी द फोर वुमेन फॉर द सेक ऑफ द गुड ऑर्डर एंड द डिसिप्लिन डिसेंसी फॉर सिक्योरिटी सच कंडक्ट ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ कैन बी कंट्रोल फॉर फॉरबिडिंग बाय लॉ, है ना. तो इसे लॉ से कंट्रोल किया जा सकता है. ये बहुत प्यारा केस है, बहुत अच्छा केस निकल के आया था, 2003 का केस. जब भी आंसर राइटिंग करें आप लोग इस केस को जरूर पुट करें. चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि कंट्रीज वेयर पॉलीगेमी इज लीगल. ऐसे कंट्रीज जहां पे पॉलीगेमी लीगल है, पॉलीगेमी इज स्टिल प्रैक्टिस इन सेवरल रिलीजन एंड ज्यूरिडिक्शन हैविंग मैनी स्पाउसेस इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना. आप देखेंगे जनरली ये पॉलीगेमी परमिसिबल है कहां पे, लीगली एक्सक्लूसिवली मुस्लिम नेशन के अंदर सच एस इंडिया, सॉरी मुस्लिम्स इन नेशन, मतलब ऐसे नेशन जहां पे मुस्लिम रहते हैं वहां पे प्रैक्टिस, जैसे कि इंडिया, इंडियन मुस्लिम में यहां प्रैक्टिस है, सिंगापुर, मलेशिया, यहां पे अलाउ है ना पॉलीगेमी. पॉलीगेमी इज स्टिल रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस इन द नेशन सच एस अल्जीरिया, इजिप्ट एंड कैमरून, है ना. तो यहाँ पे एक तरीके से प्रैक्टिस है, लीगली तरीके से स्टिल लीगल दिया गया है, ये आपको याद रखना होगा. अब कुछ इम्पैक्ट देख लेते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलीगेमी, पॉलीगेमी के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. ओवर द ईयर द इम्पैक्ट ऑफ पॉलीगेमी ऑन द सोसाइटी हैज बीन आर्ग्यूड अबाउट द प्रोस एंड द कॉन्स, ऑफन डिबेटेड एंड केस कैन मेड फॉर आइदर वन, है ना. तो इसके ऊपर प्रोस और कॉन्स दोनों चलता रहता है. तो अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि सम बिलीव दैट पॉलीगेमी वायलेट्स द वुमन राइट. कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि पॉलीगेमी जो है वुमेन्स के राइट्स को वायलेट्स करती है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी पॉलीगेमी वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड शुड बी अबॉलिश्ड इन व्हाटएवर रिलीजन दे करेंटली एग्जिस्ट. दे बिलीव दैट पॉलीगेमी इन्फ्रिंजेस अपन वुमेन्स फ्री विल, वुमेन के फ्री विल को इन्फ्रिज करती है, उसे रोकती है. ये यहाँ पे कहा गया कि वुमेन्स के राइट्स का हनन है पॉलीगेमी. ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये कौन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की कमिटी कह रही है. अगर इस तरीके से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी कमिटी कहती है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे इसको आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हैं. सम बिलीव दैट पॉलीगेमी बेनिफिट चिल्ड्रेन. ये बच्चों को कैसे बेनिफिट करेगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं. कैसे, पीपल माइट आर्ग्यू दैट पॉलीगेमी अलाउ द क्रिएशन ऑफ द लार्जर फैमिली यूनिट. मतलब ऑब्वियस ही बात है, एक से ज़्यादा शादियाँ करेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा भाई बहन रहेंगे. अ स्मॉल 2015 स्टडी कंडक्टेड इन तंजानिया फाउंड दैट पॉलीगेमी कुड रिजल्ट अ ग्रेटर हेल्थ एंड वेल्थ फॉर द वुमेन चिल्ड्रेन इन द पॉलीगेमस फैमिली. तो ये ऐसा पाया गया है, मतलब एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 2015 में वहाँ पे तंजानिया के अंदर, वो पाया गया कि जो पॉलीगेमी कर रहे थे, जहाँ पे पॉलीगेमी फैमिली थी वहाँ पे हेल्थ वगैरह जो है बहुत बढ़िया थी चिल्ड्रंस की. अभी जो भी रहा हो, ये पॉइंट्स था तो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले, न्यूज को देखने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एडिवर्स न्यूज एनालिसिस का पेज फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में प्लीज जाइए और आप पेज को जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए, ठीक है. एडिवर्स अंडरस्कोर न्यूज अंडरस्कोर एनालिसिस के नाम से हमारा ये पेज है, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ. साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. साथ ही स्क्रीन में भी आपको लिंक दिख रही होगी तो वो भी आप टाइप करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना. ये रही आपका, इस तरीके से टाइप करना है. साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और कोई भी क्वेरीज आपकी एग्जाम सब्जेक्ट और पर्सनल रिलेटेड क्वेरीज है तो आप उसे सॉल्व करवा सकते हैं, है ना. तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है अंडरस्कोर प्रकाश द्विवेदी, अंडरस्कोर नाम से मेरी आईडी है, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले द हिंदू एनालिसिस की और आगे बढ़ते हैं. टुडे 6 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस द ऑफर टू फाइंड द सॉल्यूशन टू डिसाइटफुल कन्वर्जन. अब देखिए जस्टिस अमर शाह जी क्या कहते हैं, बहुत प्यारी स्टेटमेंट देते हैं. ये कहते हैं कि Everybody has a right to choose their faith, but that does not mean luring somebody
बाई गिविंग समथिंग इफ यू बिलीव दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी नीड्स हेल्प यू हेल्प इट इट इज चैरिटी बट द पर्पज ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्जन, है ना। तो ये कह रहे हैं कि चैरिटी के नाम पे जो कन्वर्जन चल रहा है उसे रोका जाएगा, उसके ऊपर जो है हम फैसला सुनाएंगे 12 दिसंबर को, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी। ये बहुत सीरियस इशू है, हम इसको लास्ट तक देखेंगे। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी आया है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आने वाले दिनों में जब तक इस केस को पूरी तरीके से सुन नहीं लिया जाता है तब तक इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल आएंगे, तो उन सभी चीजों को हम डिटेल्स में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस इश्यू को मैं जैसे इसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाता है तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए गुजरात के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल जो है प्रिडिक्ट कर रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पे गुजरात के अंदर विन होके आएगी, और क्लोज कंटेस्ट हिमाचल के अंदर यहाँ पे क्लोज कंटेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। गुजरात के अंदर 182 सीट्स के ऊपर जो है इलेक्शन हुए हैं, वहीं पे हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 सीट्स के ऊपर जो है यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। तो ये दोनों एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, चलिए आगे चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। इन द एडिटोरियल सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू थ्री आर्टिकल्स, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे लिए। फेथ एंड फ्रीडम, जैसे कि मैंने अभी बात करी ना जिस आर्टिकल की पहले पेज में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड व्हेन द स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम मैटर ऑफ फेथ, है ना। और सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द COVID-19 पेंडेमिक फूड एंड सोशलाइजिंग, तो ये क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे, आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी घबराने की। फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज हमारे इस आर्टिकल को, फेथ एंड फ्रीडम को। देखिए एक एक लाइन में पढ़ूंगा आपको समझाऊंगा, है ना, ऐसा जैसे कि आप सामने पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो ये मैंने इसको बिल्कुल जूम कर दिया है, तो आप यहां से साथ ही साथ मेरे साथ पढ़ते हुए भी चलेंगे, है ना। प्रोटेक्टेड लिटिगेशन इन द नेम ऑफ कॉम्बैटिंग फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन इज टेकिंग अ वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग द परपोर्टेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL सुनेगा, सीकिंग एक्शन टू कर्ब द साइटफुल रिलीजियस कन्वर्सन इन द कंट्री, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाने वाला है। 12 दिसंबर को ये स्टार्ट होगा, इसके ऊपर कार्यवाही सुनना, है ना। चलिए इज सीकिंग टू रिमूव द स्टे फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ दैट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, द गुजरात गवर्नमेंट जो है सीख कर रही है कि रिमूवल ऑफ स्टे, जो स्टे लगा हुआ है किस चीज के ऊपर स्टेट लगा है, ऑन प्रोविजन ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ दैट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अभी जो है पहले प्रायर प्रोविजन लगाया गया था कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, बट ये इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है ना। लेकिन अब ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर गुजरात गवर्नमेंट ने केस किया है, PIL दाखिल किया, उसके ऊपर बोला इसको हटाया जाए स्टे को, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द गुजरात हाई कोर्ट हैव करेक्टली स्टेट सेक्शन 5 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। हाई कोर्ट कहता है कि सेक्शन 5 ऑफ गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 कहता है, जिसको 2021 के अंदर अमेंड भी किया गया था, कन्वर्जन बाय मैरिज, कहता है कि द हाई कोर्ट नोटेड दैट प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट वुड फोर्स समवन टू डिस्क्लोज वंस रिलीजियस बिलीफ और एनी चेंज ऑफ फेथ कंट्ररी टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट से मैरिज एंड फेथ इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल चॉइस। अब जो शादी होती है और मैरिज कह लीजिए आप, और मतलब जनरली मैरिज के थ्रू कन्वर्जन हो रहा है ना, जैसे कि हिंदू जो लड़की रहती है और मुस्लिम लड़का रहता है ना, शादी करते हैं, काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, है ना। आप इसको पॉलिटिकली और रिलीजियसली ना लीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर केसेस तो निकल के आए हुए हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जा रहा है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे शादी कर लो, हमारे धर्म में शादी कर लो, जैसे क्रिश्चियन वगैरह हो गया, तो हम आपको इतना पैसा देंगे, मदद करेंगे, ये है वो है, और आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लो तो ये करेंगे। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, फोर्सफुली कन्वर्जन तो चल रहा है, नो डाउट।
तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन क्या बोल रहा है कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है कि ये एक पर्सनल उनका हो सकता है। अगर सामने वाला बंदा जाके, बंदा बंदी जो भी ये लड़का लड़की जाके क्या करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर परमिशन लेगा, तो ये तो उसके फ्रीडम को, फ्रीडम का हनन हुआ है ना, वो एक तरीके से उसकी प्राइवेसी का भी हनन हुआ, कि वो उसकी, ये तो इसकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। लेकिन नो फ्रॉड ऑफ पर्सन ऑफ यूजुअल सोलेमनाइज द मैरिज अनएबल टू डू सो, लेकिन इसके ऊपर फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जो कि आजकल क्या हो रहा है, फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। द कन्वर्जन मस्ट बी अ वॉलेंट्री कन्वर्जन, कन्वर्जन जो होना चाहिए वो वॉलेंट्री होना चाहिए, खुद से लिया होना चाहिए, कि हाँ उसका खुद से मन है तो करे, लेकिन फोर्सफुली ना हो। अब फोर्सफुली का मतलब ये भी होता है ना, कभी कभी देखिए फोर्सफुली इस तरीके से भी होता है, दो तरीके की फोर्सफुली आज के जमाने में, फोर्सफुली कुछ एक अलग तरीका हो गया है। मतलब एक फोर्सफुली आपको बंदूक दिखा के करवाया जा रहा है कन्वर्जन, है ना, आपको चाकू दिखा के करवाया जा रहा है, तो वो एक अलग फोर्सफुली हो गया। दूसरा टाइप का भी फोर्सफुली होता है, जैसे, और जिसको अपन समझ नहीं पाते हैं, जैसे कुछ आपको ये दिखा के कि यार आपको पैसा दिया जाएगा, है ना, आपको घर दे दिया जाएगा, आपको ये चीज दे दी जाएगी, तो आपको लालच देके, ग्रीडीनेस जो है, लालच देके कि आपकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी कर देंगे अगर आप कन्वर्ट होते हैं, तो इसको भी किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इसको भी फोर्सफुली कन्वर्जन के अंदर रखा गया है। क्लियर हो रहा है बात आपको? जस्टिस एम एस शाह जी ये चीज कहते हैं, प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट और पार्ट ऑफ ऑन गोइंग हियरिंग ऑन पी आई एल अगेंस्ट द रिलीजियस कन्वर्जन सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाई जस्टिस एम एस शाह इसके ऊपर देख रहे हैं। तो जैसे ये निकल के आता है, इसके ऊपर और भी आर्टिकल आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू COVID-19 पैंडेमिक फूड एंड सोशियोलॉजी। अब मैं आपको एक एक लाइन इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आर्टिकल पूरा मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कुछ पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्रक्स बताता हूं आपको मैं, समरी एक तरीके से साफ समझ लीजिए इसकी समरी क्या है। तो समरी बहुत ही ईजी है इसकी, आप देखें, देखने को मिलेगा आप लोगों को कि एक पहले तो लॉ याद रख लीजिए, इस लॉ के तहत चीजें हो रही क्या, फूड बीइंग द प्रायोरिटी, एंजेल्स लॉ, एंजेल्स लॉ है ये, एंजेल्स लॉ सजेस्ट दैट द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर राइजेस एज एन इनकम फॉल। अब देखिए बहुत अजीब सी बात है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम कम हो रही है वैसे वैसे फूड के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है ना, तो ये आप चीज देख लीजिए। अब फूड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, उसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला, दूसरा। दूसरा रीजन ये है, पहला तो हम देखेंगे, लेकिन दूसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि फूड की प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात अपने आप एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, है ना। परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो फूड में इन्फ्लेशन हुआ है, फूड इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप चीजें बढ़ेंगी। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है कि लोग क्या है फूड पे ज्यादा ध्यान दे, जैसे कि COVID-19 पेंडेमिक वगैरह है, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चीजों को खाने, कंज्यूम करने की कोशिश करी अपनी इम्यूनिटी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, है ना। अलग अलग जैसे कि आमंड्स वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीजें लेना स्टार्ट कर दिया, और अलग अलग तरीके से अपने आप को हेल्दी रखने की जूस वगैरह ज्यादा पीने लग गए। तो इसलिए जितना भी लोग, अब लोग क्या करने लगे, लोग और अदर थिंग्स में खर्च करने की अपेक्षा में फूड में ज्यादा खर्च करने लगे, उन्हें बोला हेल्थ इज वेल्थ, है ना, लोगों को समझ में आने लग गया हेल्थ इज वेल्थ, तो फूड के ऊपर ज्यादा खर्चा होने लग गया और सोशलाइजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा होने लगे। सोशलाइजिंग का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे COVID-19 का पैंडेमिक का लॉकडाउन वगैरह खुला, है ना, तो लोगों को बहुत ज्यादा अंदर बंद थे, है ना, लोग बंद थे घरों में, फिर लोगों ने क्या किया, लोग बाहर निकलना शुरू किए, जैसे लोग बाहर निकलना शुरू किए तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा घूमना शुरू किया और हर एक जगह पे गए और खर्चा करना शुरू किया, तो ये चीजें ज्यादा निकल के आ रही हैं। तो बस यही चीज पूरे आर्टिकल के अंदर घुमा फिरा के बस यही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, है ना, कि फूड प्राइसेस स्पाइक ऑन मोर परचेज इंसिडेंट ऑफ शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, है ना, ये चीज ऐसा हो गया, शेयर बढ़ गया। रूरल अर्बन का बताया कि जैसे अर्बन से लोग रूरल की तरफ जब आते हैं वो होता है, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। क्या चेंज होती हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, फूड के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर आप पाएंगे तो अर्बन में जो रूरल के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं वो फूड के अंदर कितना खर्चा करते हैं, वो ना के बराबर खर्चा करते हैं, क्योंकि खुद ही पैदावार करते हैं, आपस में देख लेते हैं चीजों को और वहीं यूज कर लेते हैं। लेकिन अर्बन में आएंगे, अर्बन सिटीज वगैरह के अंदर आएंगे, तो वहां आप क्या होगा, आपको रोटी दाल, है ना, दाल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, चावल, एक एक चीज आपको खरीदनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है,
यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल वो बढ़ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट टॉक्स एस सो चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट उन पॉइंट्स को देख लेते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं हमारे इस आर्टिकल को, उन्हें पता होगा कि हम कितने ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं और चीजों को इतने अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि अब कोई भी दिक्कत आपको आ नहीं सकती इस पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट देख लिए, तीन प्रॉब्लम है अगर करेंट जो नेगोशिएशन चल रही है ना, कोविड ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्लाइमेट टॉक चला है ना, COP हुआ हमारा 27, ये आपको पता होगा है ना। इसने लेजिटिमाइड बाय द साइंस और कुछ पॉलिसी निकाल के लेके आए, कुछ हमने बनाया, कुछ पॉइंट पॉइंट्स बनाया, उन सबको हम देखेंगे। इसमें तीन प्रॉब्लम बताई गई, क्या कि सिटीजन इन अ डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इवन अवेयर दैट 2/3 ऑफ द देयर नेशनल। लोगों को पता ही नहीं भाई, लोगों को डेवलप कंट्रीज के अंदर पता ही नहीं है कि उनकी वजह से कितना ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है ना। यहाँ पे वही चीज बताई कि नेशनल इमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम देयर डाइट, उनकी डाइट से जो वो खाना खा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो घूम रहे हैं, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सेक्टर से वो कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं है ना, कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में, कार्बन की इमिशन में है ना। तो ये चीज तो उनको पता ही नहीं है, विच टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर शेयर ऑफ GDP, जो कि बहुत बड़ा GDP का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि द प्रोसेस इग्नोर्स दैट ग्लोबल वेलबींग विल ऑल्सो फॉलो अर्बनाइजेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन रिक्वायरिंग द फॉसल फ्यूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी टू अचीव कंपेरेबल लेवल। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर क्या हो रहा है, अब देखने को मिलेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेवलप होने की कोशिश कर रही हैं। अब डेवलप होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस तेजी से बढ़ेगी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी है ना, घर बहुत तेजी से बनेंगे है ना, सीमेंट का ज्यादा यूज होगा, गिट्टी रेत बालू बहुत सारी चीजों का यूज होगा है ना, फर्नीचर वगैरह, उन सब में क्या होगा, कार्बन इमिशन होगा। तो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कार्बन इमिशन, अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है तो कार्बन इमिशन तेजी से बढ़ेगा। जैसे कि फूड के साथ भी हमने देखा, फूड के साथ भी क्या हो रहा है कि ज्यादा ज्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं और फूड डाइटरी वगैरह अगर चेंज होगी तो क्या होगा, इमिशन भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है देखेंगे, द नीड ऑफ वास्ट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट एंड स्टील डेवलपिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि बड़ा अब अर्बनाइजेशन होगा तो क्या होगा भाई, बाहर से गांव से लोग अगर शहर की ओर आएंगे तो उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए, भीड़ बढ़ेगी, जब भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी तो भाई दुकान ज्यादा खुलेंगी, मॉल वगैरह खुलेंगी, रोड जो है पतली हो जाएंगी तो रोड को चौड़ा करना पड़ेगा है ना, वहां पे भी इमिशन हो रहा है, कार्बन का इमिशन हो रहा है ना, पेड़ पौधे कटेंगे, डिफोरेस्टेशन तेजी से होगा, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए तो क्या होगा, बिल्डिंग्स नई नई बनेंगे, सीमेंट स्टील है ना, बहुत सारी चीजों का उपयोग होगा। तो अल्टीमेटली इट ऑल द थिंग्स लीड्स टू द कार्बन इमिशन। क्लियर हुआ पॉइंट है ना। चलिए फिर बहुत सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पे कि अर्बनाइजेशन है चेंज द नेशन विद सेवरल 75% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया। तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो है लोगों की जो वे ऑफ लाइफ है टोटल चेंज हो गई। पहले क्या होता था, पहले लोग एक तरीके से प्रॉपर खाना लेते थे, सारी चीज़ें होता था, अभी टाइम लोगों के पास कम है ना, लोग क्या कहते हैं बाहर से जाते हैं खरीद लेते हैं, दो मिनट की मैगी बना के खा ली, उनकी एक तो हेल्थ तो बिगड़ ही रही है, दूसरी क्या हो रहा है कार्बन इमिशन में आप क्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं है ना, ये चीज भी है। विक्टिम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल एग्रेसर है ना, पॉलिटिकल अनएक्सेप्टेबल, ये सारी चीजों को बताया गया। नाउ डिफरेंशिएटेड कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बात की गई है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट ट्रीटी इज टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूमुलेटिव इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम एंड इनेबल्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 एग्रीड टू 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर है ना, तो हम 2015 में क्या एग्री किए थे, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर रहेगा है ना, उसके आगे हमें नहीं बढ़ाना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाके रोक देना है। फिर IPCC की रिपोर्ट आती है 2018 में, रिकमेंड करता है कि नेट इमिशन नीडेड टू जीरो
हमें जो ग्लोबल कार्बन इमिशन है नेट जीरो करना होगा, है ना, 2050 तक, तभी हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, सीयूपी की 2021 में पिछले साल ही, उसमें हमने कुछ टारगेट्स लिए कि हम क्या करेंगे, नेगोशिएटेड जीरो इन द कोल टू रिड्यूस द फ्यूचर इमिशन, है ना, कोल के से जो पावर है उसको हम जीरो करने की कोशिश करेंगे और कार्बन इमिशन को हम जीरो तक लेके आएंगे, नेट कार्बन इमिशन को जीरो लेके आएंगे। क्लियर, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। फिर यहाँ पे कुछ दो तीन पॉइंट्स और बताए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है। क्लाइमेट जस्टिस फ्लोस फ्रॉम नेगोशिएशन फ्रॉम नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट टू क्लाइमेट ट्रीटी, है ना, मतलब क्लाइमेट जैसी सीरियस ही बात है, नेगोशिएशन कर रहे हैं वो सिर्फ टेक्स्ट में रह जाए, उसको क्या करना है, हमें एक्ट में लेके आना है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। पहला पॉइंट क्या है, द प्रोसेस अडॉप्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन अ मैनर दैट रिजेक्टेड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर काउंटिंग प्रॉब्लम एंड स्टेडली शिफ्टेड द बर्डन टू चाइना एंड इंडिया, है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो प्रोसेस है स्ट्रक्चर इंटरनेशनल लॉ का, वो जनरली हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर देता है, प्रॉब्लम को, कंटिन्यू प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है, मतलब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा और किसके ऊपर शिफ्ट कर रहा है, चाइना और इंडिया के ऊपर बर्डन को शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, एजेंडा वॉज टू सेट अराउंड अ ग्लोबलाइज्ड मटेरियल फ्लो डिस्क्राइब द ग्लोबल वार्मिंग को, है ना, नॉट वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी, जो वेस्टफुल हो रही एनर्जी, आप लोग भी कोशिश करिए कि आपके आसपास चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, जैसे कि लाइट अननेसेसरी चल रही है, पंखा अननेसेसरी चल रहा है, तो उसको बंद कर दीजिए, है ना। ये सब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन्वायरमेंट को, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एनर्जी सेविंग को, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको करना, अगर जन भागीदारी तेजी से बढ़ेगी तो चीज़ें जल्दी से सॉल्व होंगी, है ना। और तीसरा बताया गया है यहाँ पे पॉइंट की, जो पब्लिक फाइनेंस हुआ था इज़ यूज्ड टू मींस सिक्योर द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पब्लिक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इटसेल्फ, मतलब 100 बिलियन का जो प्रॉमिस किया था पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर उसको फुलफिल करना, है ना। तो जिसके तहत हमने क्या बनाया, एक नया फंडिंग सिस्टम बनाया इस साल, लॉस एंड डैमेज फंडिंग सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोज़ेक ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट आपको चीज़ों को याद रखना है। फोर्थ क्या है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स हैज बीन इग्नोर्ड विद द 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, द डेवलप्ड कंट्री शेयर 2035 विल स्टिल 30%, है ना। तो स्टिल क्या है, 30% जो डेवलप कंट्रीज है उनका शेयर जो है अभी तक बहुत ज्यादा 2035 तक ज्यादा ही रहेगा। और इमिशन, एशिया इमिशन विद हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एशिया का जो इमिशन हो रहा है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का आधा है, हाफ है, और राइज हो रहा है 40% से। तो कुछ इंपॉर्टेंट, इंडिया ने थ्रश ऑन द लाइफ की लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब अगर भी आप लोग भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे, आपको देखने को मिलेगा। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मतलब है कि जैसे कि मैंने बोला ना कि एनर्जी को सेव कर लीजिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, कम चीज़ों को कम, ऐसा नहीं कि थोड़ा आप क्या, लोग मैंने देखा है, लोग जॉगिंग करने भी जाते हैं तो सुबह कार लेके जाते हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती है, भैया जॉगिंग करने जा रहे हो आप, कार क्यों लेके जा रहे हो, है ना, घर से निकलो जॉगिंग करते हुए, है ना, सुबह सुबह का टाइम है, बढ़िया अच्छे से जाओ जॉगिंग करो चले आओ, लेकिन नहीं, लोगों को तो कार से जाना है, वहाँ पर भी पॉल्यूशन करना है, तो एक बहुत ही अजीब सी कुछ चीज़ें लगती हैं, कार लेके जाएंगे, बाइक्स लेके जाएंगे, जॉगिंग करने जाएंगे लेकिन कार बाइक पे जाएंगे, है ना। साइकिलिंग करिए, अगर आप नहीं इतना चल पा रहे तो साइकिलिंग करिए, साइकिल को लगा दीजिए, फिर आप पार्क वगैरह पहुंच के जॉगिंग कर लीजिए, कई ऑप्शंस हैं, है ना, साइकिल का यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग का कल्चर वैसे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो साइकिलिंग का कल्चर भी बढ़ा सकते हैं आप, छोटी मोटी जगह जा रहे हैं तो आप अच्छी अच्छी साइकिल आती हैं आजकल तो उसका यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये जो एक आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज आपको इसको जाके रीड करना है खुद से, है ना, ये अम्बेडकर जी के बारे में आर्टिकल है कि यहाँ पे बता, देखिए 6 दिसंबर है आज, और आज के दिन क्या हुआ था, अम्बेडकर जी पास आवे हुए थे, मतलब आज के दिन उनकी डेथ हुई थी अम्बेडकर जी की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पासिस अवे ऑन द December 6, 1956। एंड इन दिस आर्टिकल डेटेड 14 अप्रैल 2018, A.R. Venkat Chalapathy elaborates on how Ambedkar's education journey and how he came to complete it.
कैसे एक जर्नी रही है अंबेडकर की एजुकेशन की, प्रॉपर आपको नॉलेज हो जाएगा अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद कि सर आप इस आर्टिकल को हमें समझा दीजिए, तो कल मैं आपको इसके ऊपर अलग से लेक्चर लेके आऊँगा जहाँ पर मैं इस पूरे आर्टिकल को आपके साथ शेयर करूँगा, समझाऊँगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, G20 में पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी पार्टीज को बुलाया। उन्होंने बोला कि देखिए ये एक पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे देश की बात है। मोदी से इट्स ओकेशन टू बी द प्राउड ऑफ मैनी लीडर्स, हाउएवर रिट्रीट द इंडिया टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी बाय द रोटेशन, है ना, रोटेशन बेसिस पे मिली है। इट शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड एज अ गवर्नमेंट अचीवमेंट, ये गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नहीं है, है ना, रोटेशन बेसिस में प्रेसिडेंसी मिली है, तो हम एक साथ सभी लोग मिलकर इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमैया जी हैं, सीतारमन जी हैं, ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि जो आप लोगों ने देखा होगा जो लोकल पीपल हैं, है ना, आप और हम जैसे लोग देखते रहते हैं कि भाई स्मगलिंग का ड्रग पकड़ा गया, ये हुआ छोटी मोटी, तो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं ना कि यार इसको डील कौन कर रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो इन्होंने यही डायरेक्शन दिया कि इसके मास्टरमाइंड को हमें पकड़ना है, प्रॉपर जड़ से इसे ख़त्म करना है। क्लियर? तो और देखिए एक छोटी सी न्यूज, और प्रेसिडेंट पास अप्रूव द न्यू क्रिस्ट ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के न्यू क्रिस्ट को अप्रूव कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज हमने बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, कैसा लगा आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ये सारी चीज़ें, है ना, हमने कोशिश की है और डिस्कस करने की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग इसको फैलाइए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए नए इनिशिएटिव मैं लेके आ ही चुका हूँ धीरे धीरे, एक हमारे पुराने चैनल एड्यूवर्स आईएएस करके चैनल है, वहाँ पे जाके आप अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्ज़ाम के पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, साथ ही साथ मैंने वहाँ पे ये भी चीज़ें बताई हैं कि आपको अप्रोच कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए, प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।